फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारी डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग सीरीज है, जिसका फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये लेक्चर नंबर 1 है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का। इसमें हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड इट्स फंडामेंटल, जिसमें हम देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक में, जो है इंट्रोडक्शन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। थर्ड टॉपिक है हमारा, उसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे स्टैंडर्ड इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं डेटा कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले, क्योंकि हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ये इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, डेटा के फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो वीडियो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अगर ये कम्युनिकेशन डेटा के फॉर्म में हो रहा है तो इसे हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है या ट्रांसफर होती है दो डिजिटल डिवाइस के बीच में बिट के फॉर्म में, एक ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करके, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो प्रोसेस होती है एक्सचेंज करने की इंफॉर्मेशन दो डिजिटल डिवाइस के बीच में, उसमें कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर जैसे आपके सेंडिंग डिवाइस हो गया, रिसीविंग डिवाइस हो गया, कुछ इंटरमीडिएट डिवाइस हो गए, उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। और इसके साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कुछ रूल रेगुलेशन जो गवर्न करते हैं डेटा ट्रांसमिशन को, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे हम एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं और वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, यानी ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं, तो इसे हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। और इस डेटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम बहुत सारे कंपोनेंट का, बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, वो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट का बेसिकली हम यूज करते हैं, बेसिकली 5 टाइप के कॉम्पोनेंट का हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है मैसेज, मैसेज यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हमको ट्रांसमिट करना है सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेकेंड है सेंडर, सेंडर यानी एक ऐसा डिवाइस जो कैपेबल है उस इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए या उस मैसेज को सेंड करने के लिए। थर्ड है रिसीवर, रिसीवर एक ऐसा डिवाइस जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए कैपेबल है। फोर्थ है ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली एक पाथ होता है जिससे वो मैसेज ट्रेवल करता है और ट्रांसफर होता है सेंडर से रिसीवर के बीच में। ट्रांसमिशन मीडिया को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया या वायर्ड वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया के अंदर आते हैं जैसे आपके कोएक्सियल केबल हो गए, कॉपर वायर केबल हो गए, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गए, और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में आते हैं आपके माइक्रोवेव्स हो गए, मोबाइल कम्युनिकेशन इसका एग्जाम्पल है, तो ये सब कहलाते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। लास्ट और फिफ्थ है हमारा प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन होते हैं जिनको हमारे सेंडर और रिसीवर जो है वो एग्री होते हैं इन रूल और रेगुलेशन में, जिसके कारण डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन, जो कि डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए।
अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन जो है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। उसकी कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी यानी डेटा शुड बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एट द करेक्ट टाइम एंड करेक्ट यूजर। यानी डेटा का करेक्ट टाइम पे करेक्ट यूजर के पास सेंड होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने डेटा सेंड कर दिया वो किसी और यूजर के पास किसी भी टाइम में सेंड हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता डेटा कम्युनिकेशन में। हमें डिलीवरी टाइम और डिलीवरी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो करेक्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेटा कम्युनिकेशन में। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो सेंडर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट विदाउट एनी एरर के रिसीव होना चाहिए रिसीवर के पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने इंफॉर्मेशन सेंडर ने सेंड की और बीच में इंफॉर्मेशन करप्ट हो गई या उसमें बहुत सारी एरर आ गई, तो रिसीवर जब उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, रीड नहीं कर पा रहा। तो एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइमलेसनेस। टाइमलेसनेस मतलब होता है कि अगर हम कोई ऑडियो या वीडियो मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो टाइमली मैनर में बिना डिले हुए रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। कई बार आप देखोगे कि हम कोई ऑडियो और वीडियो मैसेज साथ में भेजते हैं तो वो करेक्ट फॉर्म में हमें रिसीव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वीडियो चल रहा है लेकिन उसका जो वॉइस है या ऑडियो फॉर्म है वो नहीं आ रहा या बहुत डिले से आ रहा है। इस तरह से हम ऑडियो या वीडियो मैसेज नहीं सेंड कर सकते। हमें एक टाइमली मैनर में ऑडियो और वीडियो साइमल्टेनियसली सेंड करना होता है। नेक्स्ट है जिटर। जिटर बेसिकली एक वेरिएशन होता है पैकेट अराइवल टाइम में। यानी अगर पैकेट जो है वो डिले हो रहा है या टाइम से अराइव नहीं हो रहा है डेस्टिनेशन में तो उसे हम कहते हैं जिटर। और जिटर जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है डेटा कम्युनिकेशन की। अब अपन देखते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम दो डिजिटल डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो चाहे हम ऑडियो वीडियो कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करें वो ट्रांसमिट होती है बिट के फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का टेक्स्ट। टेक्स्ट इंक्लूड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। यानी जितने भी अल्फाबेट हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम टेक्स्ट मैसेज कहते हैं। इसमें स्मॉल केस में अपर केस में डेटा जो है वो सेंड होता है। नेक्स्ट है नंबर। नंबर इंक्लूड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट यानी 0 से 9 के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो इंक्लूड करता है नंबर। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है डेटा का इमेज। इमेज बेसिकली पिक्सल के फॉर्म में सेंड की जाती है। यानी जो इमेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो पिक्सल होती है। या हम कह सकते हैं सिंपल टर्म में कि जो पिक्चर होती है या इमेज होती है वो एक मैट्रिक्स होता है पिक्सल्स का। और पिक्सल्स को हम बिट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो। ऑडियो मैसेज हमें अगर भेजना है मतलब साउंड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं या जो भी रिकॉर्डेड साउंड होती है उसको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो कहलाते हैं ऑडियो इंफॉर्मेशन। ऑडियो डेटा कंटिन्यूअस होता है, नॉन डिस्क्रीट होता है। नेक्स्ट है वीडियो। वीडियो रिफर करता है जब हम किसी पिक्चर को या मूवी को सेंड करते हैं तो वो कहलाते हैं वीडियो या इनको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है डेटा के। हम नंबर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्म में डेटा को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड एक तरीका बताता है कि हम सेंडर से रिसीवर के बीच में या दो डिवाइस के बीच में डेटा कैसे सेंड कर रहे हैं वो बताता है हमें ट्रांसमिशन मोड। इसे हम डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बताता है। 3 टाइप से हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं दो डिवाइस के बीच में, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप डिटेल में वहां पे पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम की हेल्प से। फर्स्ट कहलाता है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसमिट होता है। सिंप्लेक्स मोड एक यूनिडायरेक्शनल मोड है डेटा ट्रांसमिशन का। यूनिडायरेक्शनल मतलब डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। इसमें एक डिवाइस सेंडिंग डिवाइस होता है, दूसरा डिवाइस रिसीविंग डिवाइस होता है। सेंडिंग डिवाइस डेटा सेंड करता है और रिसीविंग डिवाइस डेटा रिसीव करता है।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे आपका मॉनिटर हो गया और कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, वो सेंडिंग डिवाइस हो गया, और मॉनिटर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके डिस्प्ले करता है तो वो रिसीविंग डिवाइस हो गया। तो ये सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है। सेकेंड है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दोनों स्टेशन डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम में नहीं। अगर एक स्टेशन डेटा सेंड कर रहा है तो दूसरा रिसीव करेगा, अगर दूसरा स्टेशन डेटा सेंड कर रहा है तो पहला रिसीव करेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में जैसा आप जानते हो कि अगर एक यूजर बोलता है तो दूसरा यूजर जो है केवल उसको सुनता है, उसके बाद एक पॉज के बाद दूसरा यूजर बोलता है, फिर पहला यूजर जो है वो सुनता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का। नेक्स्ट होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में दोनों डिवाइस सेंड भी कर सकते हैं डेटा को और रिसीव भी कर सकते हैं डेटा को साइमल्टेनियसली, यानी सेम टाइम पे हम इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेलीफोन। टेलीफोन में आप देखते हो दो यूजर जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी करते हैं, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये तीन टाइप के डेटा ट्रांसमिशन मोड होते हैं। अब अपन देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है और ये डेटा कम्युनिकेशन से किस तरह से डिफरेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिकली यूज किया जाता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, यानी हम कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें वायर्ड मीडियम से या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया से, और उनका यूज करके, उस नेटवर्क का यूज करके हम डेटा को ट्रांसमिट करें या डेटा को एक्सचेंज करें डिवाइसेस के बीच में, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को हम बहुत डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने डिफाइन किया है कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया, एक कलेक्शन होता है नोड का, यानी नोड यानी यहाँ पे ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डिवाइस हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग डिवाइस का कलेक्शन होता है जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेशन लिंक का यूज करके, यानी ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करके। ये ट्रांसमिशन मीडिया हमारे कुछ भी हो सकते हैं, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है या अनवायर्ड या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जिसे हम गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। तो इस तरह से जो हम नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर का, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और इस कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम वर्ल्ड में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे पॉइंट हैं जो एंश्योर करने होते हैं हमें कि कंप्यूटर नेटवर्क में रिलायबिलिटी होना चाहिए। जब भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो बिना एरर के वो इंफॉर्मेशन सेंड होनी चाहिए सेंडर से रिसीवर में, एक टाइमली मैनर में सेंड होनी चाहिए बिना डिले के। तो ये सारी चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ती है कंप्यूटर नेटवर्क में। दूसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं सेंडर से रिसीवर में, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड की और बीच में से उस इंफॉर्मेशन को किसी ने हैक कर लिया। तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है कंप्यूटर नेटवर्क में। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो उसका टाइमली मैनर में पहुंचना या उसका बिना एरर के पहुंचना रिसीवर के पास बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। अब अपन देखते हैं कैटेगरी ऑफ नेटवर्क। बेसिकली एरिया के अकॉर्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क की तीन कैटेगरी है। पहला होता है LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, सेकेंड है WAN वाइड एरिया नेटवर्क, और थर्ड है MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के नेटवर्क को उनके एरिया के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया है। लैन बेसिकली एक लिमिटेड एरिया के अंदर, फ्यू किलोमीटर्स के अंदर जो नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर का, उसे हम कहते हैं लैन। ये नेटवर्क आपका प्राइवेटली भी हो सकता है या हम एक खुद का ओन नेटवर्क जो है वो फॉर्म कर सकते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक रूम के अंदर। तो ये कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें हम बहुत सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइस को, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उनके बीच में डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा कि आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, ये
नेटवर्क बनता है एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, यानी एक पूरी एंटायर स्टेट में या पूरी एंटायर सिटी के अंदर हम एक नेटवर्क जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें भी हम बहुत सारे कंप्यूटर को पूरे, जैसे आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर अगर हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और फिर डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो कहलाता है वैन। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। मैन का जो साइज है वो लैन और वैन के बीच में आता है। ये लार्जर होता है लैन से लेकिन स्मॉलर होता है वैन से। जैसे हमने पूरी एक मुंबई सिटी के अंदर एक नेटवर्क फॉर्म कर दिया तो उसको हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो गवर्न करते हैं डेटा ट्रांसमिशन को। मतलब जो हमारा सेंडिंग डिवाइस है और जो हमारा रिसीविंग डिवाइस है और कंप्यूटर नेटवर्क है पूरा, वो इन प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई डिवाइस एग्री करता है इन प्रोटोकॉल से तो ही वो इस कंप्यूटर नेटवर्क में इन्वॉल्व हो सकता है और डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। अदरवाइज अगर कोई डिवाइस प्रोटोकॉल को मानेगा नहीं या उसको एग्री नहीं करेगा तो डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। प्रोटोकॉल डिफाइन करता है व्हाट इज टू बी कम्युनिकेट, हमें क्या कम्युनिकेट करना है, हाउ इज टू बी कम्युनिकेट, हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, और व्हेन इज टू बी कम्युनिकेट और कब कम्युनिकेट करना है, ये सारी बातें हमें प्रोटोकॉल बताता है। तो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए सेंडर और रिसीवर का एग्री होना प्रोटोकॉल के में एक रूल और रेगुलेशन यानी प्रोटोकॉल पे एग्री होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स। तीन एलिमेंट होते हैं प्रोटोकॉल के। फर्स्ट इज सिंटैक्स, सेकेंड सेमेटिक्स और थर्ड टाइमिंग। सिंटेक्स क्या कहलाता है? सिंटेक्स एक बेसिकली स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ द डेटा, डेटा का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें बताता है सिंटेक्स। नेक्स्ट है सेमेटिक्स। सेमेटिक्स बताता है कि हर सेक्शन में कितने बिट होंगे और हर सेक्शन को इंटरप्रेट करने का काम होता है सेमेटिक, और उस इंटरप्रिटेशन से क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन निकला, ये सब बेस्ड होता है सेमेटिक्स पे। नेक्स्ट है टाइमिंग। टाइमिंग हमें बताता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जब भी सेंडर डेटा सेंड करे तो रिसीवर रेडी होना चाहिए उस डेटा को रिसीव करने के लिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड। बेसिकली जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टैंडर्ड एंश्योर करते हैं इंटरकनेक्टिविटी को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच में। ये हमें बताते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर ने या वेंडर ने जो बनाया है उसकी इंटीग्रिटी कितनी है, उसकी इंटरनेशनल इंटरकनेक्टिविटी कितनी है, ये सारी चीजें एंश्योर करते हैं स्टैंडर्ड। डेटा कम्युनिकेशन में दो तरह से स्टैंडर्ड क्लासीफाई होते हैं, डी फैक्टो स्टैंडर्ड और डी जूरीज स्टैंडर्ड। डी फैक्टो स्टैंडर्ड क्या कहलाता है? ऐसा स्टैंडर्ड जो फैक्ट पे बेस्ड होता है उसको हम कहते हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड, या फिर अगर बहुत सारे लोग उस स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं और किसी कंपनी ने उसको ऑथराइज नहीं किया है तो भी वो स्टैंडर्ड चल जाता है और उसे हम कहते हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड। नेक्स्ट होता है डी जूरी स्टैंडर्ड। डी जूरी स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे स्टैंडर्ड्स आते हैं जिसको कोई इंटरनेशनल या नेशनल अथॉरिटी जो है वो स्टैंडर्डाइज करे, और ऐसे स्टैंडर्ड जो एक पर्टिकुलर लॉस पर या फिर रेगुलेशन पर बेस्ड होते हैं जिन्हें कोई लॉजिस्टिकली अप्रूव करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करती है, उसे हम कहते हैं डी जूरी स्टैंडर्ड। जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन होता है उसे हम कहते हैं डी जूरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन फील्ड ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के फील्ड में कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कमिटीज हैं, फर्म्स हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज जो हैं वो हैं ISO, आपने देखा होगा कई जगह कई प्रोडक्ट ISO स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, तो ISO का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITUT, ये टेलीकॉम के प्रोडक्ट को या टेलीकॉम के कंपोनेंट को या इनको स्टैंडर्डाइज करती है।
नेक्स्ट है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. नेक्स्ट है EIA, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फर्म्स के, कौन कौन से फर्म है, ATM फर्म, MPLS फर्म और फ्रेम रिले फर्म्स. नेक्स्ट है रेगुलेटरी एजेंसीज कौन सी हैं, फेडरल कम्युनिकेशन कमिटी, FCC. ये हमारे कम्युनिकेशन की जितनी भी चीजें हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज की जाती है. तो ये है कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग. ये बहुत ही बेसिक है, ये सबको पता होना बहुत जरूरी है और ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा डेटा कम्युनिकेशन में और कंप्यूटर नेटवर्किंग में. तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और मेरे सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए. स्टे कंटिन्यू. अगर आप इंग्लिश व्यूअर हैं इस चैनल के तो इसका इंग्लिश वर्जन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ इंग्लिश प्लेलिस्ट में डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की जाके आप देख सकते हो. इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट में वीडियो डाले हैं, वो भी आप देख सकते हो और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें.